कितनी शांति है। कभी कभी घर से बाहर जाना अच्छा होता है। आंटी को देखे हुए काफी अरसा बीत चुका है। हाँ, वो तुम्हें देखने के लिए उतावली होंगी। मुझे खुशी इस बात की है कि उनके हाथ का बनाया टेस्टी खाना मैं खाऊंगा। नोबिता, तुम्हें सुनकर तो ऐसा लगता है तुम अपनी आंट से मिलने नहीं उनके हाथ का खाना खाने जा रहे हो। तो क्या तुम खाना नहीं चाहते डोरेमोन? वो मैं तो दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले खुद को देख लो। ओह, क्या हुआ मॉम? ओ नहीं, मैं तुम्हारी आंटी के लिए गिफ्ट लाना भूल गई। तो आप उनके घर के पास वाली शॉप से खरीद सकते हो, ठीक है ना? अरे पर लगता है मैं पैसे लाना भी भूल गई हूँ। शायद हमें फिर किसी और दिन आना पड़ेगा। इतनी दूर आने के बाद डोरेमोन, क्या तुम कुछ कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ। गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ। गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ? आपको कैसा गिफ्ट चाहिए? कैसा गिफ्ट चाहिए? फल कैसे रहेंगे? ठीक है, फल। हेलो हेलो, अंदर आ जाओ। अब ये थोड़े से फल आपके लिए लाई हूँ। अरे, तुम्हें कुछ भी लाना नहीं चाहिए था। ये जरूर महंगा होगा, है ना? नहीं, कुछ खास नहीं। तुमने तो आज मेरी बहुत मदद की डोरेमोन। ओ मॉम, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं तुम्हें इनाम में कुछ खरीद कर दूंगी। तुम्हें क्या पसंद है बोलो? अगर ऐसा है तो मुझे बीन जैम केक पसंद है। बीन जैम केक, बीन जैम केक, बोली दिलाएंगी ना? बीन जैम केक। ओ, ये बीन जैम केक्स के लिए बहुत बुरा हुआ। तुम्हें अभी भी बीन जैम केक चाहिए? हे, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ये काम नहीं करेगा। ये सिर्फ दूसरों को देने के लिए जादू की गिफ्ट बनाता है। ओ, ये बात है। तुम अपने लिए नहीं बना सकते। ये इतना आसान नहीं है। तो ये बात है। डोरेमोन, क्या तुम मुझे दे सकते हो प्लीज? ठीक है, पर किसके लिए? शिजुका के लिए। और किसके लिए? ओ, शिजुका के लिए गिफ्ट। अब ये तुम मुझे दो। ये नोबिता के लिए अच्छा है। हाय, कैसी हो शिजुका? क्या तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए? हाँ चाहिए, मुझे एक बड़ा सा स्टफ बियर चाहिए। पर पता है, मेरे पेरेंट्स उसे लेके नहीं देंगे। बड़ा सा स्टफ बियर मैं अभी तुम्हारे लिए लाता हूँ, ठीक है? अब शिजुका मुझसे खुश हो जाएगी, मजा आएगा। ना 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 ना। बड़ा सा स्टफ बियर। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। क्या तुम्हें पक्का पता है? हाँ पक्का, ये फ्री था। मुझे तो ये काफी महंगा लगता है। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस मेरा एक काम कर दो। कौन सा काम? मैं चाहता हूँ कि तुम ये लेकर मेरे घर आओ, और अंदर आने से पहले तुम कहना वीडियो गेम, समझ गई? ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा काम है। फिर मैं घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। ओह, इतना बड़ा डॉगी! ये क्या है? उसे इतनी देर क्यों लग रही है? उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। नो बेटा। शिजुका, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये क्या है? ये इतना भारी है। चलो देखते हैं क्या है। उसमें से वो बुलडॉग बाहर निकला, वो कितना डरावना था नोबिता। सॉरी शिजुका, मैंने तुमसे ये काम करने के लिए कहा। ठीक है, पर मेरे बड़े बियर के लिए थैंक्स। कुछ नहीं होता, मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया शिजुका। अब मुझे घर जाना चाहिए। बाय बाय बाय, कल स्कूल में मिलते हैं। बाय बाय।
अब किसकी बारी है? ये लो। क्या तुम मुझे ये रिमोट कंट्रोल कार दे रहे हो? थैंक्स नोबिता। जियान, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? कौन सा काम? मैं चाहता हूँ कि ये क्लॉथ तुम मेरे घर लेकर आओ और अंदर आने से पहले कहो वीडियो गेम। बस इतना छोटा काम? हाँ बस इतना सा। नोबिता, मैं ये काम तुम्हारे लिए जरूर करूँगा। ये कूड़ा यहाँ पे किसने फेंक दिया? जियान मेरे लिए वीडियो गेम ले आया। थैंक यू जियान। मैं ये क्या है? तुम ये क्यों लाए? तुम कूड़ा क्यों उठा लाए? जियान ने मुझे इतनी तेज क्यों मारा? इतनी तेज लगी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर मैं लिख दूं तो ऐसी गलती फिर नहीं होगी। तुम मुझे ये रेडियो कंट्रोल्ड कार देना चाहते हो? हाँ, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम करना होगा? चलो ठीक है, कर दूंगा। वैसे मेरे पास बहुत सारी कार्स हैं, पर ठीक है, इसे मैं रख लूंगा। ओके, बाय। अजीब लड़का है। आखिर नोबिता के इस लिफाफे में है क्या? क्या वीडियो गेम? वीडियो गेम, यही तो मैं चाहता था। ये मुझे ही रख लेना चाहिए। बड़ी अजीब बात है, सुनियो अभी तक आया नहीं, बड़ी देर हो गई उसे। अब मैं उसे फोन करके पूछता हूँ। हाय नोबिता, तुम्हारी कार बहुत बढ़िया थी। हाँ, क्या कहा? अरे वो कपड़ा तो मुझसे घूम गया। तुमने वो कपड़ा घुमा दिया? क्या हुआ नोबिता? डोरेमोन, सुनियो ने वो क्लॉथ। हाँ, सुनियो ने वो गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ घुमा दिया। चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। वो कहाँ है? यहाँ भी नहीं। डोरेमोन, मुझे माफ कर दो। नोबिता, तुम तो कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो। अगर तुम कुछ बोरो करते हो तो उसे वापस करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आई एम सॉरी। ये वीडियो गेम है? बच्चों, में घर आ गया। डैड आ गए। नोबिता, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। क्या? एक वीडियो गेम। ये बहुत महंगी है, समझे? थैंक यू डैड। ये गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ है। सुनिए जी, ये क्या लेकर आए हैं? अरे बेटे के लिए गिफ्ट लेके आया। मुझे कोई बहाने नहीं सुनने हैं। इस महीने हमने बहुत पैसे खर्च किए हैं। अगले महीने से मैं आप दोनों की पॉकेट मनी आधी कर दूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अगर फिजूल खर्ची करोगे तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। बताओ या ना बताओ, ये तो एक सवाल था।